हेलो फ्रेंड्स, माय सेल्फ तुषार ओझा फ्रॉम टेक्नोलॉजी स्पेशलिस्ट। तो आज मैं आपके कुछ सवालों के जवाब दूंगा कि क्या समय में आगे पीछे जाना संभव है, क्या समय किसी चीज़ पे निर्भर करता है। तो आइए देखते हैं अपन किन किन चीज़ों पे समय निर्भर करता है और क्या ये संभव है या नहीं। तो अगर और मैं आपको लास्ट में एक तरीका भी बताऊंगा जिससे आप अपनी खुद की टाइम मशीन बना सकते हैं और समय में आगे पीछे जा सकते हैं, और इनके सबूत भी बताऊंगा, एविडेंसेस भी दूंगा। तो ध्यान से देखिए। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं द स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो कि आइंस्टीन ने दी थी। तो उससे अपने को ये समझ में आ रहा है कि वक्त भी निर्भर करता है रोशनी की रफ्तार पे, यानी कि रोशनी की रफ्तार भी वक्त में चेंज कर सकती है। और जो स्टीफन हॉकिंग ने कहा था कि अगर कोई वस्तु रोशनी की रफ्तार से चले या उसके आसपास भी चले तो वह समय में आगे या पीछे जाने लगती है। यानी कि अब सारे साइंटिस्ट ने सबूत दे दिया कि ये सब कुछ चीज़ें संभव है। और साथ ही मैं आप सब चीज़ों के सबूत भी दूंगा जो कि हो चुके हैं। तो आपको मैं एक क्लिप दिखाता हूँ जो कि एक मूवी की है जिसका नाम था द सर्कस 1928 की। ध्यान से देखिए इस क्लिप को। ये जो महिला अभी आपको दिखी है जिस फ़ोन से बात कर रही है, ये फ़ोन नॉर्मल लगेगा आपको, मगर जब ये वीडियो रिकॉर्ड की गई है 1928 की वीडियो है, और 1928 तक मोबाइल फ़ोन्स डिस्कवर नहीं हुए थे। मोबाइल फ़ोन्स डिस्कवर हुए थे 1973 में। यानी कि यह एक टाइम ट्रेवलर भी हो सकती है जो अतीत में आई होगी और इस चार्ली चैपलिन की इस मूवी में कैच हो गई है कैमरा के अंदर। तो इनकी कुछ गलती की वजह से ये कैच हो गई। तो ये एक सीधा सबूत देता है कि हाँ, टाइम ट्रेवलर्स भी हैं, जो कि अपने मन में एक सवाल क्रिएट हो जाता है। और आगे इस वीडियो को पूरा देखिए, मैं आगे आपको और भी टाइम ट्रेवलर से मिलवाऊंगा। तो और टाइम ट्रेवलर से मिलने के लिए चलते हैं अपन। तो अभी जो मैं आपको एक बताया है कि थोड़े समय पहले तक अपन नहीं मानते थे कि जैसे 1700 सेंचुरी में अपन नहीं मानते थे कि कोई मोबाइल फ़ोन्स भी डिस्कवर करेगा क्या, मगर वो हुए ना। तो संभव है कि अपन भविष्य में टाइम मशीन बनाएं, मगर आज के लिए अपने को वो असंभव लगती है, जैसे उस वक्त अपने को मोबाइल फ़ोन असंभव बनाना लगता था। तो अब अगली एविडेंस को देखिए। तो ये देखिए, ये जो आदमी आपको दिख रहा है यह आदमी एक टाइम ट्रेवल आदमी, बाकी जो आदमी आसपास खड़े हैं, लोग खड़े हैं, उनसे थोड़ा अलग दिख रहा है। इसके सोशल क्लासेस वो उस वक्त नहीं हुआ करते थे, तो ये भी एक टाइम ट्रेवलर है। साथ में अगर मैं बात करूँ तो सर रॉबर्ट विक्टर एक आर्मी के अंदर ऑफिसर थे, एयर ऑफिसर। तो उन्होंने देखा कि इंस्पेक्ट करने के लिए ड्रेम नाम की जगह पे, तो वहाँ पर बारिश होने लगी और वो जिस जगह पे फिर पहुँचे वहाँ पे एयरफील्ड बिल्कुल रिन्यू हो चुका था, और जो ऑफिसर्स वहाँ पे मौजूद थे उनकी नीले कलर की शर्ट और ये पीले कलर के एरोप्लेन्स उनको उधर मिले खड़े हुए रनवे पे। तो उनको बड़ा अजीब लगा। फिर थोड़े वक्त बाद जब वो वापस अपनी जगह पे पहुँच गए तो उनकी बातों पे किसी ने विश्वास नहीं किया। मगर 4 साल बाद ही क्या हुआ, RAF ने फिर से सब कुछ चेंज कर दिया, प्लेन्स येलो कलर के कर दिए, और जो वहाँ के मैकेनिक्स थे, मेंबर्स थे, उनकी यूनिफॉर्म का कलर ब्लू कर दिया। तो वह सर रॉबर्ट जो है वो भविष्य में गलती से चला गया था पैरेलल पैराडॉक्स की वजह से, और उसी का यह सबूत भी दे रहा है, यानी कि वह भी एक टाइम ट्रेवलर रह चुका है। तो मैं आपको अब एक बात बताऊं कि आप कैसे टाइम मशीन बना सकते हैं। तो टाइम मशीन बनाने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, बहुत इजी सा तरीका है। आपको सिर्फ अपनी आंखें बंद करके समय में पीछे जा सकते हो। आपको आंखें बंद करके बस ये सोचना है कि आपके साथ क्या क्या हुआ, आपके ब्रेन की मेमोरीज को याद करना है, और भविष्य को आप बना सकते हो आज के अंदर रहकर। तो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सो जो भी आपको ये और वीडियोस दिख रहे हैं उनको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस।